हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। फाइनली आप सभी के हैवी डिमांड पे आज मैं लेके आ चुका हूँ अपने इंडियन बाइट एम 3D में ट्रेन का न्यू चीट कोड। यहाँ पे ट्रेन को मैं लेके भी दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे और भी काफी सारे न्यू चीट कोड मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जैसे कि रोकी बाइक की बाइक का चीट कोड, RX एंडर की बाइक का चीट कोड और एल्टो कार का चीट कोड और बुलेरो कार का चीट कोड और एल्टिका कार का चीट कोड और नैनो कार का चीट कोड और यहाँ पे होंडा सिटी का चीट कोड। सो गाइस यार ये सारे के सारे न्यू चीट कोड जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर से देख लेना, ताकि आप सभी को भी अपने इंडियन बाइट एम 3D में ट्रेन का न्यू चिट कोड पता चल जाए और रोकी भाई की बाइक का भी चिट कोड पता चल जाए और RX 100 की भी चिट कोड पता चल जाए और एल्टो कार का भी चिट कोड पता चल जाए और बुलेरो कार का भी चिट कोड पता चल जाए और इर्टिगा कार का भी चिट कोड आप सभी को मिल जाए और नैनो कार का भी चिट कोड मिल जाए और होंडा सिटी का भी चिट कोड मिल जाए। सो गाइस यार हमें ये सारे के सारे चिट कोड लेने के लिए सबसे पहले जाना होगा अपने नागपुर वाले एयरपोर्ट पे, क्योंकि दोस्तों वहां पे हमारे एक लड़की वेट कर रही है जो कि आज हमें न्यू ट्रेन का चिट कोड बताने वाली है। और फाइनली ये लो भाई मैं एयरपोर्ट पे तो पहुंच भी गया और लड़की ये तो भाई हमारा पहले से वेट कर, चलो तो इस लड़की से पूछते कि हमारे इंडियन मैडम 3D में ट्रेन का न्यू चिट कोड क्या है। तो भाई जल्दी से गाड़ी से उतरते और चल के पूछते, अरे लड़की मेरी बात सुनो, मेरे को आज तुमसे एक बात पूछनी है। अरे बदतमीज छपरी लड़की, तेरे को शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसे छेड़ते हुए? अभी रुक मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कोई छपरी लड़का नहीं हूँ, आपने तो मेरे को बुलाया था ट्रेन का न्यू चिट कोड बताने के लिए। अरे सॉरी सॉरी, मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। चलो तो मैं तुम्हें ट्रेन का चिट कोड तो बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक मिशन को कंप्लीट करना होगा। अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हें मैं वो चिट कोड बता दूंगी। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेगा रैम चैलेंज पे जाके एक लैम्बोर्गिनी को लेके उस रैम चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। और भाई लैम्बोर्गिनी बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए, अगर तुम ये चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो तो ही तुम्हें मैं ट्रेन का चिट कोड बताने वाली हूं। अरे वाह दोस्तों यार, ये तो मेरे चुटकी का कमाल है। तो अभी चलो हम चलते एक रैम चैलेंज को कंप्लीट करके आते हैं और उसके बाद में ये दीदी हमें ट्रेन का न्यू चिट कोड बता देगी, भाई फिर तो भाई मजा आ जाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपन चलते हैं मेगा रैम चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यार मेरे को एक चीज को ध्यान रखना होगा कि मेरे को गाड़ी को भाई बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचाना होगा। अगर मेरी गाड़ी बिल्कुल भी खराब भी आ जाएगी तो ये लड़की मेरे को बिल्कुल भी ट्रेन का चिट कोड नहीं बताने वाली, तो भाई मेरे को बिल्कुल ध्यान से चलाना होगा। तो गाइस यार इसके लिए मैं यार ये गाड़ी तो नहीं लेके जाना, वैसे भी उस लड़की ने मेरे को बोला था कि लैम्बोर्गिनी को लेना। तो चलो मैं जल्दी से लैम्बोर्गिनी को यहाँ पे स्पॉन करते हैं और लैम्बोर्गिनी का चिट कोड क्या है वो तो भाई आप सभी को पता ही होगा। अरे भाई मैं सबसे पहले अपनी ड्रेस को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा लुक भी अच्छा निकले, भाई लैम्बोर्गिनी के साथ थोड़े से लग्जरी तो दिखनी चाहिए ना। तो ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी तो आ गई, इसमें जल्दी से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको वॉयलेट पे रख लेता हूँ क्योंकि वॉयलेट मेरा फेवरेट है और यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। और आप चलो अब हम इसको लेके चलते हैं अपने रैम चैलेंज पे। और भाई यार ये रैम चैलेंज मेरे को भाई बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे अपनी गाड़ी को लेकर चलना पड़ेगा, अगर मैं थोड़ी सी भी तेज चलाऊंगा ना तो भाई अपना ये रैम चैलेंज भाई पूरा का पूरा फेल हो जाएगा और अपने को ट्रेन का चिट कोड नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे मेरे को धीरे धीरे अपनी गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा, भाई बिल्कुल भी सावधानी से चलना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, मेरे को डर लग रहा है वैसे भी भाई, अगर क्या हुआ अगर मेरी गाड़ी क्रैश होगी तो भाई मेरे को तो सोच के डर लग रहा है मेरे को ट्रेन का चिट कोड। ओ शिट भाई, अरे यार मैं तो अभी सोच रहा था यहाँ पे ये देखो भाई मैंने ये क्या कर दिया, अपनी तो भाई पूरी की पूरी लैम्बोर्गिनी डिस्ट्रॉय होगी। ओ शिट यार, कभी ऐसा ना हो कि उस लड़की को पता चल जाए कि हमने अपनी लैम्बोर्गिनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे भी दोस्तों वो लड़की तो इस चैलेंज को देख नहीं रही, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको पता ही नहीं चलेगा। तो चलो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को नीचे, वैसे भी तो यार ये टूट तो गई है, तो आप फुल स्पीड में लेके चलते हैं नीचे और उस लड़की को कैसे पता चलेगा कि हमने इस गाड़ी को ठोका या फिर नहीं। तो चलो उस लड़के से चल के पूछते, भाई मेरे को पता है कि उसको नहीं पता चलेगा कि हमने लैम्बोर्गिनी को ठोका है नहीं। तो चलो हम चलते हैं उस लड़के के मिलने के लिए। और भाई देखो एक बार अपनी पूरी की पूरी गाड़ी तो भाई खराब हो चुकी, अगर उस लड़के को थोड़ा भी भाई कि पता चल जाएगा किसी ने उसको बता दिया तो यार वो अपने को ट्रेन का न्यू चिट कोड नहीं बताने वाली है। तो चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी R15 को स्पॉन करके यहाँ पे लेके चलते हैं उसको और ढूंढते हैं कि वो लड़की मेरे को कहाँ पे मिलने वाली है। मैंने उसने बताया था कि मैं अपने विलेज में जाने वाली हूँ, तो चलो हम उसके विलेज में ही चलेंगे और उसको वहाँ पे जाके ढूंढेंगे। और ये लो भाई अपनी R15। अरे भाई साहब जल्दी से डायल करो ना भाई, R15 कितनी धीरे आ रही है। तो चलो इसको हम RGB में चेंज करें या फिर येलो कलर में। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉयलेट या फिर येलो ग्रीन, चलो ग्रीन में करके लेके चलते भाई, देखो क्या मस्त लग रही है। और चलो अब हम चलते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए, ताकि यार उस लड़की को हम बता दें कि हमने इस रैम चैलेंज को ईजिली कम्प्लीट कर लिया और अपनी गाड़ी को भाई बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर उस लड़की को कुछ भी पता चल गया तो भाई अपना पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तो चलो हम चलते हैं और देखते भाई लड़की है कहाँ पे। अरे भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लड़की मेरे पीछे ही थी, जस्ट यहाँ पे एक बार मुड़ते और यहाँ पे देखते, अरे भाई साहब वो रही ना सामने, अरे वो रही लड़की। चलो हम उस लड़के से मिलते हैं और यहाँ पे एक लड़का भी, अरे छपरी लड़का साइड में निकली यहाँ से। तो चलो गाइस यार चलते हैं इस लड़के से पूछने के। अरे दीदी हमने उस रैम चैलेंज को इजिली कम्प्लीट कर लिया और हमारी लैम्बोर्गिनी को भाई एक खरोच भी नहीं आई, अब हमें ट्रेन का चिट कोड बता दो। अरे नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा वो लैम्बोर्गिनी तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई और अब तुम मेरे से झूठ बोल के यहाँ पे मेरे को ही लात मारे, अब तो मैं तुम्हें ट्रेन का चिट कोड
चिटकोड बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। अरे दीदी ऐसा बिल्कुल मत करो यहाँ पे, प्लीज मेरे को इसका चिटकोड बता दो। अरे नहीं चल पहले फुर्सत में निकल, अब मैं तो तेरे को बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। अभी रुक मैं तेरे को मजा चखाता हूँ, तू मेरे को चिटकोड नहीं बताएगी। अभी रुक गाइस यार क्या करें हम, इसको मार दे या फिर इसको ट्रेन का चिटकोड पूछे। भाई अगर मैंने इसको मार दिया तो ये मेरे को ट्रेन का चिटकोड कैसे बताएगी यार। अबे यार मारे या फिर ना मारे मेरे को डर भी लग रहा है, अगर मैंने इसको मार दिया तो फिर हमें कोई भी नहीं बता सकता, इसके अलावा किसी को भी अपने इंडियन बैडरम 3D में ट्रेन के न्यू चिटकोड के बारे में भाई एक अक्सर भी नहीं पता है। सो गाइस यार मेरे को क्या करना चाहिए भाई, अगर ये लड़की मेरे से लड़ाई करना चाहती है तो मैं इसको जरूर से मारूंगा। चल तो पहली फुर्सत में निकल, अभी रुको भाई अभी इसको मजा चखाते हैं, चल निकल पहली फुर्सत में, एक और लात मारो भाई इसको, एक और खींच के लात मारते, ये ले लात, चल निकल पहली फुर्सत में। और भाई साहब ये लड़की तो मर भी गई, अरे भाई अब क्या करें, अब तो भाई अपने इंडियन बैडरम 3D में मेरे को ट्रेन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, तो भाई जल्दी से इसको मार देते इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आए। भाई जल्दी से इसको मार के निकलो, अरे भाई साहब मेरे को डर लग रहा है, और यहाँ पे सामने इस लड़की ने भी मेरे को देख लिया, अरे इसको भी जल्दी से मार देते। ये लो भाई यहाँ पे मैंने इसको मार दिया और यहाँ पे मेरे को एक स्टार भी मिल गया, अरे बाप रे बाप यहाँ पे तो मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो मेरे को मार दे। तो चलो गाइस यार अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अपने इंडियन बैडरम 3D में रोकी भाई की बाइक का चिट कोड और RX 100 का चिट कोड और अल्टो कार का चिट कोड और बुलेरो कार का चिट कोड और इर्टिगा कार का चिट कोड और नैनो कार का चिट कोड और होंडा सिटी का चिट कोड। तो चलो हम जल्दी से चलते हैं। सो उसके लिए आपको सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस गेम को डाउनलोड करना होगा। गाइस यार आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे सारे के सारे चिट कोड देखने को मिलते हैं, यहाँ पे RX 100 रोकी भाई की बाइक और एल्टो कार बुलेरो कार चिट कोड कार और इर्टिगा कार और नैनो कार और होंडा सिटी कार सभी का चिट कोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वैसे तो गाइस यार यहाँ पे सारी की सारी कारें हैं, तो अब मैं आप सभी को इनका चिट कोड भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बार इन सभी को देख लो। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि इन सभी का चिट कोड क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे रोकी भाई की बाइक का, सबसे पहले होंडा सिटी का यहाँ पे बता दूँ कि इसका चिट कोड है 1435। तो जल्दी से हम 1435 को डायल करते हैं। ये लो मैंने 1435 को डायल कर दिया, ये हमारी होंडा सिटी का कार और नैनो कार का चिट कोड यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ नैनो कार का चिट कोड जो कि है 1415। जैसे आप 1415 यहाँ पे डायल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी नैनो कार। और अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इर्टिगा कार का चिट कोड, तो यहाँ पे इर्टिगा कार का चिट कोड है 1434। जैसे आप 1434 यहाँ पे डायल करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी 1434। और आप सभी के हैवी डिमांड पर गाइस यार यहाँ पे मैं बुलेरो कार का भी चिट कोड लेके आ चुका हूँ जो कि है 1432। जैसे यहाँ पे 1432 डायल करोगे तो हमारी न्यू बुलेरो कार आ जाएगी। और यहाँ पे आप सभी के हैवी डिमांड पर एल्टो कार का भी चिट कोड यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ जो कि है 1431। जैसे यहाँ पे 1431 डायल करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी हमारी एल्टो कार। और यहाँ पे अब बताने वाला हूँ RX 100 बाइक का चिट कोड जो कि भाई सबसे मस्त है जो कि है 1447 जो कि भाई मेरा भी सबसे फेवरेट है। तो चलो यहाँ पे 1447 को डायल करते हो और ये देखो हमारे आ गए RX 100 बाइक। और यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे रोकी भाई की बाइक का चिट कोड जो कि है 1440। और गाइस यार आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते अपनी